मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग जानेंगे आईपीओ साइकिल के बारे में, इसलिए आप पेज ओपन कीजिएगा अपने यूनिट 2 का पेज 54। यूनिट 2 पेज नंबर 54। ठीक है, हम लोग का जानना है आईपीओ What is IPO? IPO stand for Input Process Output. Input Process and Output. लेकिन कंप्यूटर जो हम लोग का जो फंक्शन करता है, ठीक है, दैट इज जो काम करता है, तो वो एक साइकिल फेजेस फॉलो करता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जैसे कि आप सपोज कंप्यूटर को हम लोग क्या करना है, दो नंबर सम करना है, ठीक है, कंप्यूटर के लिए क्या होगा, हम लोग इस तरह से ये करें इनपुट, देन हमारा का क्या काम होगा कंप्यूटर का, देन कंप्यूटर क्या करेगा प्रोसेसिंग, एंड देन हमको वो रिजल्ट देगा हमारा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज क्या करते हैं, कैलकुलेटर ओपन किया आपने, क्या किया कैलकुलेटर ओपन किया और उसमें दो नंबर सम कर, ठीक है, सपोज आपने सम किया 2 + 4, ठीक है, तो ये क्या हमको एक रिजल्ट देगा, क्या देगा प्रोसेसिंग होगा, कि हम प्रोसेसिंग का काम क्या करेंगे हम लोग, ये कंप्यूटर क्या करेगा 2 इनपुट जाएगा और हमारा क्या हो गया इनपुट हो गया, दो नंबर चाहिए तो एडिशन करना, दो नंबर चाहिए हमने 2 + 4 दे दिया, उसको रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे प्रोसेस करेंगे, कंप्यूटर को क्या आपने दिया है एडिशन, कंप्यूटर क्या करेगा एडिशन का काम करेगा, क्या करेगा कंप्यूटर एडिशन का काम करेगा, देन हमको रिजल्ट देगा हमारा, ठीक है। सपोज हमने क्या किया नेक्स्ट, हम इसको क्या कर रहे हैं 3 - 2, ठीक है, या इसको अपने लीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 7 × 3, ठीक है, ये क्या होगा हमारा प्रोसेसिंग होगा मल्टीप्लीकेशन, देन हमको रिजल्ट क्या मिलेगा देखिए आपको क्या क्या इनपुट आएगा, 7 एक नंबर, 3 दूसरा नंबर एंड मल्टीप्लीकेशन, दैट इज जो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसमें आसपास सिंबल से ये कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 7 × 3 हमको रिजल्ट मिलेगा 21। तो ये कंप्यूटर के लिए हमारा क्या होगा इनपुट, जब आप एडिशन करने जाएंगे 2 + 4 एडिशन के लिए 2 नंबर हम लोग सब ये करेंगे इनपुट, ये इनपुट हो गया, देन हमारा जो कंप्यूटर काम कर रहा है, कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमने प्लस दिया है तो एडिशन का काम होगा, यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन यूज किया है ये मल्टीप्लीकेशन का काम होगा, एंड देन हम लोग को आउटपुट यानी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये इस साइकिल को कंप्यूटर बार बार फॉलो करता है, ठीक है, इसी साइकिल को हम लोग कहते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट, द डेटा एंड द कमांड्स दैट वी गिव टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है, इनपुट क्या हुआ हम लोगों का, The data and the instruction, that we give to our computer, ठीक है, ये क्या कहलाता है हम लोग का, क्या कहलाता है इनपुट कहलाता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग का प्रोसेसिंग क्या हो गया प्रोसेसिंग, ठीक है, द वर्क डन बाय द कंप्यूटर, द वर्क डन बाय द कंप्यूटर, ये क्या कहलाएगा हम लोगों का प्रोसेसिंग कहलाएगा, जैसे हम लोग ने यहाँ पे सम किया, ठीक है, दो नंबर एडिशन हमारा क्या होगा प्रोसेसिंग किया, वही हमारा कंप्यूटर काम हो गया, आउटपुट क्या हो गया द रिजल्ट, जैसे हम लोग यहाँ एडिशन किया तो रिजल्ट क्या है 6, अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या रिजल्ट आया 21, तो सो ऑन, जो भी काम हम लोग का कंप्यूटर करेगा ये साइकिल फॉलो करेगा, वो क्या करेगा आपसे डेटा लेगा इंस्ट्रक्शन लेगा, आपको उस पर इंस्ट्रक्शन देना होगा कि क्या क्या फंक्शन करे, और वो फंक्शन के बाद उसका कंप्यूटर काम करने के बाद हमको रिजल्ट देगा दिस इज
हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये साइकिल को हम लोग कहते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में अपना जानेंगे डेटा स्टोरेज यूनिट के बारे में। थैंक यू।